बंगाली कल्चर दिखाना तो बनता था फ्रेंड्स, क्योंकि बैलेंस करके रखना जरूरी है। ससुराल और मायका दोनों बैलेंस करके रखना बहुत जरूरी है। तो इस गढ़वाली नृत्य है फ्रेंड्स, ये है गुरबख्श रावत जी, ये पंजाबी लीडर हैं और इनकी मैरिड इन उत्तराखंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुधा रावत, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। तो आज है संडे और मैंने ना इतने सारे कपड़े धोए थे और मेरी सारी मेहनत ख़राब हो गई, क्योंकि मुझे सारे कपड़े उठाने पड़े, बिकॉज देखो इतना खतरनाक हुआ पड़ा, इवन बारिश भी हो रही है और मुझे सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे डाल के, बड़ा गुस्सा आता है कई बार। चलो ठीक है, इस बार मई मंथ में ही इतनी बारिश हो रही है। मैं आपको पापा का थोड़ा गार्डन दिखाती हूँ। ये देखो, ये तुलसी माता जी रखी है हमने, वो देखो पापा ने टमाटर लगाए हैं, देखो टमाटर का पौधा, तो देखो पापा ने कितनी खूबसूरत गैलरी में कैसे बना रखा है। इवन आज सबसे जल्दी उठी थी कि जब तक कोई और लोग डालेंगे कपड़े में डाल के आऊँगी सबसे पहले, और लोग मतलब हमारे पूरी बिल्डिंग में मतलब किराएदार वगैरह भी रहते हैं हमारे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट आ जाए आज सुबह सुबह, लेकिन फर्स्ट आने का मुझे नुकसान हो गया, मैं जल्दी भी उठ गई थी, इवन संडे था। ये हो गई है फिसलने, कपड़ा वो हो रहा है, सारी स्टेज हील ही हो गई है। सुंदर सुंदर गार्डन देखिए, आज में बारिश हो रही है, इसे अच्छा लगता है सुबह सुबह बारिश हो रही है। ये था हमारे पहाड़ी गाना, अभी बचपन से सुना था हमने जब छोटे छोटे हुआ करते थे। सो फ्रेंड्स, नहा धो के जोत बत्ती करके अब हम लगे चाय पीने, और ये बड़े वाला रावत जी का और छोटे वाला मेरा, और देखो हम कितनी सारी चाय पीते हैं सुबह सुबह। आप लोगों को वाटरमेलन खिलाते हैं और साथ में टूथपिक डालते हैं इस पे, है ना। मौसम तो वैसे ठंडा ही है, ज़्यादा गर्मी में मज़ा आता है वाटरमेलन का, लेकिन मैंने कहा चलो आज संडे है क्यों ना। सो फ्रेंड्स, ये है यम्मी यम्मी वाटरमेलन रेडी है, तो चलिए लो तरबूज। जी किधर है? अंदर होंगे। क्या कर रहे हो? हमारा ब्लॉग देख रहा हूँ। मेरा ब्लॉग दिखाओ, वो देखो मेरा ब्लॉग है, वो लो ये लो। थैंक यू थैंक यू। चीयर्स। तुम्हें तो चीयर्स ही याद आती है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कैसा है, मीठा अच्छा है ना? मम्मी कैसा था? अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा। शिवन्या पीहू कैसा था? अच्छा अच्छा। ओह, उसको खिला रही है, उसको खिला रहे हो आप, इसको उसको क्या खिला रहे हो आप? ओ बाप रे, ये इसके दूध की बोतल है। कब बड़े होंगे आप? आप कब बड़े होंगे? कल। कल बड़े होंगे, देखो। लेकिन आज का हमारा इनविटेशन था, कलाग्राम में गढ़वाल सभा का कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो सभी लोगों को वहाँ गढ़वाली खासकर जो है, तो मैं गढ़वाली भी हूँ, आपको पता ही है मैं हिमाचली और गढ़वाली दोनों हूँ,
क्योंकि अभी पीछे मैंने अपने मायके का दिखाया आपको, मायके इन द सेंस हिमाचल का सिरमौर का फंक्शन दिखाया, उसका जो भी मतलब प्रोग्राम होगा, गढ़वाली कल्चर वगैरह होंगे मे बी, तो वो सारी चीज़ें मैं आज रिकॉर्ड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, रावल जी ने हमें छोड़ दिया कलाग्राम में और कुछ जा रहे, बेटा रुको लाइटें आ रही है, रुको। कलाग्राम ये है मेन एंट्री। हेलो फ्रेंड्स, तो ये सारे बच्चे हमारे गढ़वाली हैं और इन्होंने यहाँ पर गढ़वाली डांस किया था, इनका प्रोग्राम था। तो देखो कितने ये गढ़वाली लिबास में हैं बच्चे, ये देखो इस टाइप का जो है ज्वेलरी रहता है, देखिए। हेलो करो बेटा, वाली वाली वो आ गई, देखो लपेट। फ्रेंड्स,
पंजाबी लीडर हैं और इनकी मैरिड इन उत्तराखंड, और इनको उत्तराखंडी भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छा ये उत्तराखंडी भी बोलते हैं, गढ़वाली भाषा अच्छी बोलते हैं। रियल सिस्टर्स हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा गाती हैं। यहाँ पर ना गढ़वाली ज्वेलरीज वगैरह जो गढ़वाली चीजें होती है ना, दिखाती हूँ आप। ये गढ़वाली नथ है, ये गढ़वाली नथ है फ्रेंड्स, देखिए इसको क्या बोलते हैं, गुलाबंद। हाँ ये गुलाबंद है, गले में लगाते हैं। और ये देखिए इतने सारे ले लो अभी। और बच्चे लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ खाना है। ये स्टॉल्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स खाने पीने के, नूडल्स खाने। इधर हो जाओ, इधर डोसा बन रहा है, इधर देखिए पाव भाजी, पाव भाजी खाते हैं, चलते हैं। इधर क्या है, मंचूरियन खाते हैं फिर है ना। आज हम बाई चांस सब मैचिंग हो गए, अंशु इधर आओ, सब मैचिंग है बाई चांस, ऐसी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि क्या पहनना है किसी ने। हमने अभी पहले खाए मंचूरियन, अब पाव भाजी। तो फ्रेंड्स हम लोग प्रोग्राम से हो गए फ्री, हस्बैंड लेने आ गए थे और हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था, 9 बजे गए थे तो सुबह स्कूल भी है। अच्छा लगा क्योंकि गढ़वाली कल्चर और हिमाचली कल्चर वैसे तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, सेम है, पहाड़ी कल्चर है, तो मैं दोनों चीज़ों को ही खूब इंजॉय करती हूँ। और वैसे भी लास्ट वाला जो ब्लॉग डला था वो सिरमौरी वाला था, जो एक शाम सिरमौर के नाम हिमाचली कल्चर मैंने दिखाया था, तो गढ़वाली कल्चर दिखाना तो बनता था फ्रेंड्स, क्योंकि बैलेंस करके रखना ज़रूरी है, ससुराल और मायका दोनों बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग का एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें दोस्तों, और मेरे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और मुझे और वीडियोस बनाने का हौसला भी हो। और फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।